नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसाद जादव। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है रेव्यू माजा के एक और एपिसोड में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं रेव्यू माजा पे कि क्या हम लोग आरओ मेम्ब्रेन्स को केमिकल से वॉश करके यूज कर सकते हैं। टिपिकली डोमेस्टिक आरओ मेम्ब्रेन्स जो होते हैं, क्या उनको वॉश करना सही होता है केमिकल्स के साथ में, या तो अल्कलाइन सॉल्यूशंस के साथ में या फिर एसिडिक सॉल्यूशंस के साथ में, तो क्या ये सब बेनिफिशियल है? तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, डोमेस्टिक मेम्ब्रेन्स जो होती हैं वो नहीं बनी होती हैं केमिकल वॉश के लिए। बिकॉज सबसे पहली बात, ये जो केमिकल वॉश जो होते हैं, या तो वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक केमिकल्स यूज होते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा अल्कलाइन केमिकल्स यूज होते हैं। तो दोनों केस में दोस्तों जो हमारे मेम्ब्रेन में जो स्केलिंग होती है, या तो वो जो हम सब जानते हैं, या तो वो एसिडिक फॉर्म ऑफ केमिकल से रिमूव हो सकती है या तो अल्कलाइन फॉर्म ऑफ केमिकल से रिमूव हो सकती है। लेकिन दोस्तों हमारे जो डोमेस्टिक के मेम्ब्रेन्स होते हैं, ये उस प्रकार के केमिकल्स को हैंडल करने के लिए नहीं बने होते हैं। अगर आपको मार्केट में कोई बोलता होगा कि मैं आपको आपकी डोमेस्टिक मेम्ब्रेन को केमिकल से क्लीन करके रिवाइव कर दूंगा फिर से, तो उसके बाद में वो हो भी जाएगी, शायद आपका फ्लो आ भी जाएगा, लेकिन आपको जो मिलने वाला प्रोडक्ट वाटर है, शायद उसकी एसिडिटी ज़्यादा बढ़ जाए या फिर उसकी अल्कलिनिटी ज़्यादा बढ़ जाए, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो ये बहुत ही हार्मफुल है। अगर आप केमिकल से इसको वॉश करते हैं और उसको उसके बाद में अगर प्रॉपर केयर नहीं ली गई, तो वो पानी जो है वो हार्मफुल हो सकता है आपको कंजम्पशन के लिए, वो हार्मफुल भी हो सकता है। तो बेटर वे दोस्तों, आप अगर रिप्लेस करते हैं मेम्ब्रेन तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। आप उसको जो आप सोच रहे हैं कि उसको मैं रिवाइव कर लूँगा या वो मेम्ब्रेन को मैं वापस उसी मेम्ब्रेन को वॉश करके यूज़ कर लूँगा, वॉश करना अलग बात है, लेकिन आप अगर केमिकल्स डाल के वॉश कर रहे हैं तो आप अपनी या कस्टमर की लाइफ है उसको धोखे में डाल रहे हैं। तो कृपया करके ऐसे किसी भी केमिकल्स का यूज़ ना करें, जितना भी हो सके आप उसको रिप्लेस करें, क्योंकि रिप्लेस करने की कॉस्ट इतनी नहीं होती है। लेकिन अगर उससे आपको कोई हानि पहुँचे या कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो आपको ज़्यादा कॉस्ट जो फिजिक पे जो बॉडी पे जो उसका इफेक्ट होगा उसको क्योर करना मुश्किल हो जाएगा। तो बेटर वे आप इसको नया कार्ट्रिज ले लें, नया मेम्ब्रेन ले लें, वही बेनिफिशियल होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है ये आपको बेनिफिशियल रहेगा। शायद आपको ऑनलाइन बहुत सारे वीडियोस मिल जाए कि ऐसे क्लीन करते वैसे क्लीन करते, लेकिन दोस्तों वो कमर्शियल मेम्ब्रेन्स के लिए होता है। कमर्शियल मेम्ब्रेन्स बनी ही होती है उसी कारण कि वो वापस यूज़ हो सके, लॉन्ग लास्टिंगली यूज़ हो सके। लेकिन डोमेस्टिक मेम्ब्रेन्स जो है, कंपनी भी बोलती है कि इसकी लाइफ है 1 ईयर, इसकी शेल्फ लाइफ या यूज़ ऑफ लाइफ 1 ईयर होती है, आपको 1 ईयर के बाद में इसको रिप्लेस करना चाहिए। लेकिन अगर आप इसको सोच रहे कि मैं वॉश करके यूज़ करूँ, तो ऐसा मत कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये दी हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक थम्सअप जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, गुड डे, जय हिंद।